Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello. Assalamu alaikum. Shayan. रात को इतनी देर से खैरियत तो है मामा मैंने पता करना था कि ईमान ठीक है ना ईमान यहाँ तो नहीं है वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है क्या कह रहे हो ईमान तुम्हारे पास नहीं है वो मामा एक्चुअली वो अस्सलाम वालेकुम बेब ये शायान क्या कह रहे हैं नहीं बस बच्चे हैं आपको पता है ना आजकल के बच्चे किसी के अपसेट थी थोड़ी सी वो अच्छा अगर आपके पास नहीं आएगी तो कोई बात नहीं घबराने की बात नहीं है मैं फोन करता हूँ ना उसकी तो बहुत सारी दोस्त हैं किसी के पास भी जा सकती है अगर आप भी उसकी किसी सहेली मैं बंटी को फोन करती हूँ उसे मालूम होगा बेटा ठीक हो जाएगा डोंट बी अपसेट क्या हुआ ईमान वहां नहीं है और यहाँ भी नहीं आई है बंटी को फोन करो जल्दी से बंटी का फोन आया था अभी जिन जिन दोस्तों को वो जानती थी वो वहां तो नहीं है उसका फोन अभी तक ऑफ है मुझे तो पता भी नहीं है वो घर से गई कैसे है किसी जानने वाले के यहां भी नहीं पहुंची मामा क्या आपके पास मिसेस डिसूजा का नंबर है हाँ हेलो जी ईमान नहीं वो तो नहीं आई जी जी अगर आएगी तो मैं जरूर बता दूंगी जी ओके शायान ईमान का कुछ पता चला मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करा देनी चाहिए नहीं मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए मिल जाएगी इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें मैं ये सोच रही हूँ कि कल रात को मिसेस डिसूजा ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा मैं मसलन ईमान कहाँ है क्या हुआ आखिर रात के 3 बज रहे थे उसने सिर्फ यही कहा कि अगर वो आए या अगर उसका फोन आया तो मैं बता दूंगी कुछ अजीब सी बात है मैं भी देख के आता हूँ I don't know if God will ever forgive me for this. तुम्हारी अम्मी इतनी परेशान थी और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रही हूँ Why don't you call her? उनको बता तो दो कि तुम ठीक हो बता दूंगी खुद को तो संभाल लूं मामा मुझे इस हालत में देखेंगी तो मर जाएंगी
मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? पता है मुझे गुड़िया के कपड़े भी बनाने आते हैं और उनके बाल भी। क्या नाम है तुम्हारी गुड़िया का? माया। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। और इस गुड़िया का क्या नाम है? माया। मगर माया तो डॉल का नाम था। नहीं, मेरा नाम है। अरे एक जैसे नाम। ऐसा करते गुड़िया का नाम बदल देते और एक पार्टी करेंगे। मैं इसके कपड़े बनाऊंगी और बाल भी ना। हाँ आपका नाम भी है ईमान। आप पार्टी से पहले तो नहीं लीव कर देंगी ना? नहीं। Mrs. D'Souza, has Cheyenne come to you? No, he hasn't come here. क्यों? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और अब लगता है कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। Oh, Manasa, don't say that. इतनी जल्दी होप क्यों छोड़ देती हो? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद कोई भी उम्मीद रखने से डर लगता है। हर छोटी सी चीज से डर लग रहा है, हर फोन की घंटी से, बल्कि बास दफा अपने आप से भी डर लगता है। शायान का फोन ऑफ आ रहा है, दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो। खुशियां तो दरवाजे के पीछे छुपी होती हैं। नहीं मिसेस डिसूजा, मेरे दरवाजे पर अब कोई खुशी नहीं आएगी। तुम नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता सवाए खुदा के, कि किस वक्त कौन सी खुशी बगैर दस्तक दिए आपके घर में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मिसेस डिसूजा, मगर अब मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखती। मेरे हिस्से की खुशियां खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी एक खुशी तो मेरे घर में छुपी हुई है। मिसेस डिसूजा, ईमान आपके पास है? क्या तुम्हें मालूम था? मालूम तो नहीं था, मगर दिल को एक तसल्ली जरूर थी। आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें उस वक्त बता देती कि ईमान यहाँ है तो वो मुझसे नाराज होकर यहाँ से भी चली जाती। आई डोंट नो हाउ आई कैन एवर थैंक यू फॉर योर काइंडनेस मिसेस डिसूजा। Thank you. You don't need to thank me. Goodbye. ईमान, मेरी ममता पे शक किया तुमने। शक होता तो जिंदा कैसे रहती? जिंदा हो तो मुझसे दूर क्यों हो? ताकि आपको कोई दुख ना पहुंचे। मुझे दुख से बचाने के लिए मुझसे मेरी सांसें छीन ली? मुझसे भी तो बहुत कुछ छीन गया मम्मा,
मैं अब औरत नहीं रही। तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो? कि मैं औरत नहीं हूं? कि मैंने तुम्हें पाला नहीं? खोक से मां मां नहीं बनती, ममता से मां बनती है। कोक तो उजड़ सकती है, बर्बाद हो सकती है, वीरान हो सकती है, बांझ हो सकती है, लेकिन ममता ना उजड़ सकती है और ना बर्बाद हो सकती है। ममता तो ठंडे पानी का वो चश्मा है जो अजल से बहता आया है और अब तक बहता रहेगा। मामा ईमान, हम जैसे औरतों के पासों में इतनी ममता समा जाती है कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। मुझसे हर बात करने वाली लड़की चुपचाप यहां क्यों चली आई? कुछ तो कैसे होते हैं जिन्हें गुनाहों की तरह छुपाना पड़ता है। इस दुख से मैं बहुत पहले गुजर चुकी हूं ईमान। जिस तूफान से तुम आज गुजर रही हो इससे मैं 24 साल पहले गुजर चुकी हूं। तुम में और मुझ में सिर्फ एक फर्क है कि मैं भागी नहीं थी। मुझे जब डॉक्टर ने बताया कि मैं मां नहीं बन सकूंगी तो मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। कई दिनों तक तुम्हारे अप्पू से शर्मिंदा रही, मगर मैं हारी नहीं। फिर हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, जैसे उस पर कभी कोई तारीकी थी नहीं, जैसे मुझे कभी कोई दुख छू कर भी नहीं गुजरा। तुमने मेरी गोद भर दी, मेरी जिंदगी और मेरे घर को रोशन कर दिया। नहीं, हेलो, मेरे मौला, मौला, मौला। कैसी है मेरी सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू बी फाइन।
پیش آیا. پلیز اٹھ جاؤ میری خاطر. پلیز ڈیڈی. بہت کمینہ ہے یہ, تب اسے پورا بدلہ نہیں لے گا معاف نہیں کرے گا آپ کو. ارے روتے نہیں ہے بیٹا, یو ڈوئنگ فائن. کھانا ابھی کھا, چلو بیٹا چلو. مجھے نہیں چاہ بیٹا, چلنا کھانا کھانا ہے بیٹا. مجھے تیری یو بی فائن. پیچھے ہٹو, میں نے کہا نا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. کیسا خچروں والا سلوک کر رہا ہے تو ایمان کے ساتھ, کیا کر رہا ہے یار؟ وہ یہی چاہتی ہے ڈیڈ. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لگتا ہے, سر پہ چوٹ لگی ہے. آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے تمہارے, دن رات خدمت کرتی ہے, کس لیے؟ اسی سے پوچھیں ڈیڈ. مایوس تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں ڈیڈی, آپ دیکھیں میں نے شایان کے لیے چکن کڑھائی بنائی ہے, پوٹیٹو کٹلٹس, اور آپ کے لیے آپ کا فیورٹ سوپ. اوکے تھینک یو تھینک یو. اس کا مطلب ہے کوئی خاص خاص دن ہے آج؟ I'm sorry بیٹا, I'm really sorry. میرا بیٹا بہت بے وقوف ہے, ماں نہیں تھی نا اس کی, سمجھتا نہیں ہے. یہ جب کبھی مایوس ہوتا تھا, ڈونٹ گیو اپ, اٹس گونا بی فائن. آئی نو.
हैप्पी एनिवर्सरी. किस चीज की एनिवर्सरी? चीज की नहीं, रिश्ते की. हम इस रिश्ते में आज के दिन बंधे थे. वो रिश्ता जो तुम एक कागज पर लिखकर छोड़ गई थी? मुझसे गलती हुई थी शायद. तो भुगतो. मतलब? मतलब ये कि रिश्ता भरोसे का दूसरा नाम होता है और वो तुम तोड़ चुकी हो. मुझे माफ नहीं कर सकते? कभी नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क किया था. तुम्हारे मां बनने या ना बनने से मेरे इश्क की शिद्दत में कोई फर्क नहीं पड़ा था. हिम्मत थी तो मुझसे कहती, मेरी आंखों में देखकर कहती कि शयान मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर शक है. और इस कमी की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगे. फिर मैं तुम्हें जवाब देता कि ईमान, तुम मेरा ईमान हो. I loved you more than you can imagine. More than you'll ever know. Chali jao yahan se. Shayan, please. Please. Tum sirf meri baat to sun lo. Jao. तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने जो तुम हमेशा पूछा करते थे. पहली नजर में तुम जाने पहचाने नहीं, मुझे अपने लगे थे. अपनी रूह का एक हिस्सा जो कहीं खो गया था. तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि वो ख्वाब जो अधूरा रह गया था पूरा हो गया हो.
मेरे प्यार की किताब का दूसरा चैप्टर हो तुम शायान। पहला कौन है? वो मोटू जो चॉकलेट्स मुट्ठियों में छुपाए मेरा इंतजार करता था। और आखिरी चैप्टर कौन होगा? मेरा कोई आखिरी चैप्टर नहीं होगा। मेरी बदकिस्मती ने मेरा आखिरी चैप्टर मुझसे छीन लिया है। आखिरी चैप्टर हम दोनों मिलकर लिखेंगे। I'm so sorry for hurting you. I'm sorry. It's okay. अगर तुम अपने प्यार का पहला और आखिरी चैप्टर मुझे पहले बता देती ना तो तुम्हें रुलाता नहीं, शराफत से सवालों का जवाब दे देती ना, ये सब मुसीबतें ना आती। दूर हटो मुझसे, बहुत रुलाया मुझे। I'm sorry. Never again. Promise? I promise. Vada हमारा कभी कोई अंजाम नहीं होता, हम जीते रहते हैं और जन्म देते रहते हैं आने वाले वक्तों को, लम्हों को और खुशियों को। बस इन खुशियों की मंजिलों के दरमियान थोड़ी सी तोड़फोड़ होती है जिसे बर्दाश्त करके मुस्कुराने को लाइफ स्टोरी कहते हैं। ब्रेसलेट ही टूट गया है। क्या हुआ? ईमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, अगर सीरियस बात है तो प्लीज डिनर के बाद, मुझे आज इटालियन खाना तुम्हें लेकर चलना है, प्लीज। ईमान,
जब तुम इतने सीरियस होते हो ना, तुम्हारे मुंह बहुत बुरा लगता है। ओके सॉरी। अच्छा भाई बोल दो और फिर अपना मुंह ठीक करो। क्या बात है? तुम्हारी सर्जरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी जिसकी वजह से। क्या? जिसकी वजह से क्या? शायान, पहले हुआ था क्या? उससे भी बुरी खबर है। बोल दो। बॉडी टू में उस कयामत से गुजर गई तो ये भी सहेंगी। डॉक्टर्स को तुम्हारा यूट्रस रिमूव करना पड़ा। ईमान, ईमान, ईमान ही ओके? ईमान, वो तो मेरी सुनता ही नहीं। तुम अल्लाह ताला से पूछ सकते हो कि मैं ही क्यों लुटने के लिए, बर्बाद होने के लिए, उजड़ने के लिए मैं क्यों? और तुम तो खबर ऐसे सुना रहे हो जैसे मौसम की खबर सुना रहे हो, है ना? ये मेरी मौत की खबर है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो। ये मौत की खबर नहीं है ईमान। इस खबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस। प्लीज, हम ऐसे ही रहेंगे, इतना ही खुश। इतने ही खुश हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम खुश रहेंगे? हाँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकोगे। हम खुश रहेंगे। हमारे कभी बच्चे नहीं होंगे और हम खुश रहेंगे। ईमान, नहीं, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। ईमान, मैं चीखूंगी, मैं रोऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। तो अब ईमान कैसी है? ठीक है भाई साहब, तो हम कल आते हैं आपकी तरफ। मैं भी कन इसी तरह मरी थी और मेरी बेटी भी उसी तरह बेबसी के फंदे पर लटकी हुई है। मैंने उसको इतना चाहा है कि अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। ये कैसे मुमकिन था कि उसकी तकदीर मेरी तकदीर से जुदा रहती? ये मेरी वजह से हुआ है। मेरी बदनसीबी का साया उस पर पड़ गया है। मानो, I'm home. तुम तैयार हो ना? मुझे सिर्फ चेंज करना है, फिर चलते हैं। मानो, मानो।
Mano? Mano, are you in there? कहाँ चली गई? शायद किचन में हो। मुझे तलाश ना करो शायान, समझो मैं मिली थी और खो गई। शायान मैंने तुम्हें बहुत चाहा, बेसमर चाहा, लेकिन मेरी इस बेसमर चाहत का कोई अंजाम नहीं। शायान प्लीज मेरी आखिरी बात मान लो, मेरी जगह किसी बहुत अच्छी सी लड़की को दे दो। जिसकी मोहब्बत बेशुमार ना हो मगर तुम्हें वो खुशियां दे सके जो मैं नहीं दे पाई। प्लीज मुझे भूल जाना, तुम्हारी ही मां।